श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की दिल होता नहीं टू कट श्री कृष्ण का नैया लाल की अक्षराते धाम धनी के मुखमंडल का वर्णन चल रहा है फिर कहूँ हरवे हरवटीय से यू सुध हो मुख कमल कहते हैं अब पुनः हरवटी की बात करते हैं जिससे पूरा मुख है वो कमल की तरह से लगने लग जाए तो उस प्रकार से वर्णन करते हैं सुख मोमिन ने रखा जिन दिला अरश अकल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सुख है वो तो ब्रह्मात्मा ही अनुभव कर सकती है क्योंकि उनका ही हृदय परम धाम है और उनकी बुद्धि भी उनके पास बुद्धि भी परम धाम की है हरवटी गौर मुख मुतल रंग बिंदा हरवटी गौर मुख मुतलक हरवटी गौर वर्ण की हरवटी हर का तात्पर्य चिबुक वो गौर वर्ण का है और निश्चित रूप से मुख भी मुखमंडल मुख में हरवटी है चिबुक है वो वर्ण का है खुश रंग बिंदा ऊपर है अब बिंदी अदरुष्ट और चिबुक के बीच में लाल बिंदी है खुश रंग लाल रंग की बीच लाक तले अधर है बीच में वो जहां लाक है गहराई है तो वहाँ पर तो ताले अधूरा अधर अधर के नीचे अधरुष्ट से के नीचे चार पाखड़ी हुई बराबर तो उससे देखते हैं तो चार पंखुड़ियाँ ऐसे चारों तरफ फैली हुई उस तरह से दिखती है अब ये तो जैसा देखना चाहेंगे उस प्रकार से तो अक्षराधित धाम धनी दिखा देते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी को तो इस प्रकार का स्वरूप दिखाई दिया तो उन्होंने मुखार बिंद का तो सब ये कैसे वो मुख है वो कमल कहलाता है तो उसका उन्होंने पूरा पूरा वर्णन किया है अब ये भक्ति के रूप में भी है और साहित्य के रूप में भी है जिन लोगों को साहित्य की दृष्टि से देखनी है तो उस हिसाब से देखेंगे हम लोग भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो धाम धने का मुखार बिंद है इतना सुंदर है गौर पाखड़ी दो लाख की लाल पाखड़ी दो तीन पर लाख गहराई में दो वो उसमें पंखुड़िया वो गौर वर्ण की दिखती है और लाल पाखड़ी दो तीन पर उनके ऊपर में ष्ट की दो लाल पंखुड़ियाँ दिखाई देती है अधूरा अधूरा दो मिल जुड़े जब दोनों अधूरा कहने का मतलब दोनों वोष्ट जब मिल जाते हैं तो हुई से सरवरा तो उसमें भी थोड़ी सी गहर, गहराई आती है तो नीचे गहराई है और फिर ओठ में भी थोड़ी सी गहराई आती है तो दोनों तरफ ऊपर नीचे आ, ऐसे गहराई उसमें भी दिखाई देगी जोड़ बने दो अध के दोनों अधर की जोड़ी निपट लाल शोभित तो निश्चित रूप से लाल रंग की सुशोभित है तीनों ऊपर दो पंखड़ी हरी नेक टेढ़ी भाई तो उनके ऊपर दो पंखुड़िया तो उनके ऊपर ऊपर के भाग में वो भी ऐसे मुस्कुराते होंगे अथवा तो, तो मुस्कुराने पर ही ऐसा लगता है तो उसमें वो अब हरी तो वैसे कह रहे हैं तो ये नासिका के क्षेत्र में थोड़ा सा तो अब उसका रंग थोड़ा सा अलग प्रकार का देखेगा तो उसको उन्होंने हरे वर्ण का इस प्रकार से उसको मान दिया नेक टेढ़ी हरी नेक टेढ़ी भाई इत तो वो थोड़ी सी वो टेढ़ी कहने का तात्पर्य और तो नाशिका के छिद्र का भाग है तो वो सीधा सीधा पंखुड़ी की तरह से नहीं होता है और थोड़ा सा अलग प्रकार से तो इस, इस प्रकार से वहां भी कमल की कल्पना कर रहे हैं दंत सलू की रंग की इन जुवा कहीं न जाए दंतावली है वो भी बहुत सुंदर है तो इस जुवा से उसका भी वर्णन नहीं हो सकता मुख मुशकता दंत देखता जब मुख मुस्कुराते हैं तो उस समय दांत दंतावली दिखाई देती है कहा क्या कह देव बताए तो उसको क्या बताएं कितनी सुंदरता है उसको किस प्रकार से बताएं क्यों कहो रंग रसना मुख मीठा बोल बोलत अब दंतावली के साथ में रसना रसना की बात क्या करें उससे तो मीठी मीठी बातें निकलती है स्वाद लेत रस अरस के जुहाँ कह ना सके सिफत जब परमधाम का स्वाद लेते हैं तो जुहा के द्वारा उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती परमधाम का रस है तो रसना है तो परमधाम का रस लेने वाली है रस देने वाली है उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती है रस जान सब रस के रस रश बोलत रसना बैन ये रचनाएं परमधाम के सारे रस को जानती भी है और बोलती भी है अपने वाणी के द्वारा रोए एक शब्द सुने रस का तो पावे काय में सुख चैन तो ब्रह्मात्माएं इन भिन्न भिन्न भिन रसों में से किसी एक रस का भी शब्द सुन लेते हैं रचना से तो उनको सदैव शांति का अनुभव होता है बड़ी शांति मिलती हो ऐसा लगता नेक अध खोल ही दंत लाल उज्जवल झलकता अब दंतावली की बात पुनः कर रहे हैं थोड़ा सा अधर को खोलते हैं ओठ को थोड़ा सा खोलते हैं तो उस समय दंत लाल उज्ज्वल झलकता दंतावली है और लाल और उज्जवल तो मशूर है वो लाल दिखाई देंगे और उसको दंतावली है वो उज्जवल है तो इस प्रकार से वो उसकी चमक निकलती है अधूरा लाल जो पाखड़ी जानव के नित मुस्कत है तो अधर के लाल अधर की लालिमा है उसको यदि हम पंखुड़ी की तरह से गिन लेते हैं तो जानव के नित मुस्कत मानो नित्य मुस्कानी कर रहे हो ऐसा लगता है दंत उज्ज्वल ऐनक जो दंत उज्ज्वल है ऐनक की भांति माए जुवा देते देखाई और उन दोनों दंतावली के बीच में जीवा दिखाई देती है देख दंत की नाजुकी अति सुख मोमिन लेता दंतावली में भी इतना कच्चा मतलब एकदम नए नए दांत हो ना इस प्रकार से बड़े सुंदर दांत दंतावली है तो उसको देख करके ब्रह्मात्माओं को बड़ा आनंद आता है कबू दंत रंग उज्वला कबू रंग लालक कभी तो दंतावली उज्जवल सफेद रंग की दिखाई देती है कभी लाल रंग की दिखाई देती है दो खूबी दंतन में माहे रोशन ज्यो आइनक दांतों में दोनों प्रकार की खूबी है माहे रोशन ज्यो आइनक जैसे आइनक में कोई प्रकाश विदर्श दिया जाए तो उससे वो परछाई आती है उस उस वो प्रकाश प्रतिबिंबित होता है तो उसके बीच में प्रकाश हो और फिर ऐनक उसमें से प्रकाश चारों तरफ फैल रहा हो तो उस प्रकार से ये दंतावली दिखाई देती है दो बीच अधुर रेखा मुख कटा तीन तीन तरफ दो, दोनों अधर के बीच में रेखा मुख में रेखा है कटाव तीन तरफ दोए तीन तीन तरफ दोए तीन दोनों तरफ तीन तीन, तीन कटाव है तो ओठ में ऐसा होता है तो ऐसे तो यहाँ दोनों ओठ में बीच में से दोनों तरफ तीन तीन उसमें ऐसे वो क्या बोलते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसे ये लाइन जैसी दिखाई देती है तो वो लाइन दिख रही है पाखें रंग सुरंग दो उपली चढ़ी टेढ़ी शोभा दे तोए पांखें पंखुड़ियाँ रंग सुरंग दो उपली ऊपर की अब उसमें देखें तो ये दोनों ओष्ट हैं तो वो भी एक प्रकार से पंखुड़ियाँ हैं तो इसके ऊपर में आँख हैं उनकी भी उनको भी मान लें कि वो पंखुड़ी है तो इस प्रकार से भी उसकी शोभा मानी जा सकती है चढ़ी टेढ़ी शोभा देता दोए दोनों के टेढ़ी शोभा अब ये तो क्या है कि तो वो उसको क्या बोलेंगे तो ये पंखुड़ी है तो वो एक नोक होगा और फिर दोनों तरफ से ऐसी बड़ा क्वाली होती है तो इसलिए वो उस प्रकार की शोभा दे दिखाई देती है खुश रंग बीच सिंघोड़ा तले दो अनि ऊपर एक अब ये नाक में तो बीच में वो पर्दा है तो वो भी वो भी लाल लाल रंग का है तले दो अनि ऊपर एक नीचे दो कोने दिखाई देते हैं और ऊपर एक ही कोना नोक दिखाई देता है तो नीचे इधर और इधर, इधर ऐसा करके दोनों क्षेत्रों में इन दो पाखे खुश रंग एक अटाव शोभा अभिषेक तो ये दोनों पंखुड़ियाँ तो ये भी वो इसके किनारे भी लाल लाल रंग का दिखाई देता है एक कटाव शोभा अभिषेक ये भी एक प्रकार से बड़े सुंदर शोभा तो कि वो जैसे कढ़ाई की हो उस प्रकार से लगता है तीन आनी पर दूजी अनि शोभित सिंघोड़ा सुपेता तो नीचे की नीचे के दो कोने तो उसके ऊपर भी सिंगोड़ा ये बीच में पर्दा है ऊपर भी एक कोना दिखाई देता है तो वो भी श्वेत रंग का है ऊपर पाखें दो फिर वाली बीच क्षेत्र शोभा दो देता ऊपर दो पंखुड़ियाँ तो वो चारों तरफ से वो पंखुड़ियों के का किनार हो उस तरह से दिखाई देता है बीच छिद्र शोभा देता बीच में दोनों छिद्र की शोभा है तो ये उसमें नाक की आकृति की बात कर रहे हैं तो उसको ध्यान से मनन करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये बताना चाह रहे हैं तो नाक के छिद्र के उसमें चारों तरफ ये जो उसमें नाक की जो उसमें वो शोभा है तो लाल वो किनारी दिखाई देती है तो वो लाल और उज्जवल रंग की है तो उसके लिए कहते हैं कि वो पंखुड़ी की तरह से दिखाई देती है पंखुड़ी के किनार की तरह से इन फूल ऊपर आई नाशिका तो अब यहाँ मुखारबिंद का ये फूल कल्पना कर ली और उसके ऊपर में ये नाशिका है शो आए बीच अनिशोभा तो नाशिका के बीच में नोक है उसकी भी बड़ी सुंदर शोभा है तिन पर रेखा दो तिलक की और ये नासिका क्या है कि ये ये यहाँ का भाग हो गया और ऐसे ऊपर जाने के बाद में यहाँ भी ये दोनों किनारे मिल गए हो ना तो ऐसा लगता है तो उसकी बात करते हैं अब उनके ऊपर तिलक है तीन पर रेखा दो तिलक की उनके ऊपर दो पंगल, रेखा तिलक की है रंग अच्छी न कई देखा है तो ऐसे तिलक इस प्रकार से ये है तो नाक के ये ये ऊपर का भाग पूरा हो जाता है तो यहीं तक आ जाता है तिलक तो उसकी शोभा बड़ी सुंदर दिखाई देती है तो उसमें अलग अलग क्षण क्षण में उसके रंग अलग अलग दिखाई देते हैं दो नेत्र टेढ़े कमल ज्यों दोनों नेत्र हैं कमल की कमल की पंखुड़ियों की भांति तो दोनों नेत्र है उनमें भी जैसे दोनों तरफ के नोक हैं तो ऐसे लगेंगे और बीच में बड़ा भाग होता है तो उस प्रकार से पंखुड़ियों की तरह से लगता है अनि शोभा दो अतंत दोनों तरफ की नोक है उसकी शोभा बड़ी सुंदर दिखाई देगी जब पापन दो खोलत जानों के कमल दो विकसत जब पलके खोलते हैं तो नेत्र कमल दोनों खिल गए हो ऐसा लगता है नाशिका के मूल से दो कमल बने अद्भुत नाशिका के मूल से दोनों तरफ ये नेत्र कमल है तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं श्याम शेत झाई झलकत शोभा क्यों कहो अंग लाऊत तो उनमें ने, नेत्र में श्याम और श्वेत जो पलक है तो उसमें श्याम वर्णन है और अंदर उसके तारे के दोनों तरफ सफेद भाग है तो उनके तो ये कमल का उस प्रकार का भाग दिखाई देता है शोभा क्यों क्यों अंग है? तो ये दोनों ये शोभा परमधाम के अंग की है तो इसलिए उसके शब्दों के द्वारा वर्णन तो हो नहीं सकता तो हम इसको चिंतन करके अपने दिल में बैठा लें तभी इसका अनुभव हो सकता है और कई रंग दो कमल में टेढ़े चढ़ते निपट कटाव अब तो दोनों कमल में तो दो कमल में और भी और भी कई रंग दिखाई देंगे टेढ़े चढ़ते निपट कटाव और टेढ़ापन तो ये क्या है कि आँख खुलती है तो ये धनुष के तरह से ही ऐसा होता है नीचे और ऊपर ना तो दोनों बीच का भाग बड़ा होगा दोनों तरफ छोटा उसका होगा तो जैसे पंखुड़ी होती है उसी से प्रकार से है मेहर भरे नूर वर्षत हक सिंत सदा स्वभाव तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या होता है ये उस एक प्रकार से अमृत बरसता है वो भी उज्ज्वल प्रकाश वाला ऐसा अमृत बरसता है हकसी चत सदा स्वभाव तो अक्षराती धामदनी का स्वभाव कैसा है तो ब्रह्मात्माओं के ऊपर सिंचन करते ही रहते हैं तो अपने कृपा दृष्टि से अमृत का सिंचन करते हैं तो वो कृपा दृष्टि उनके प्रकाशमयी है इसलिए नूर वर्ष तो उसमें से तो प्रकाश ही निकलता हो ऐसा लगता है ब्रह्मात्माओं को और अपने ऊपर उस प्रकाश की वर्षा हो रही हो ऐसा लगता है गौर गलस्थल गिर दवाए और गलस्थल ये गले का गला तो वो चारों तरफ से गिर चारों तरफ से देखते हैं तो वो गौर वर्ण का है और बीच नासिका गौर तो अब फिर तो नासिका का भाग है तो वो भी वर्ण का है श्या पाखड़ी कमल पर और ये नेत्र कमल है तो तो उसकी पंखुड़ी है तो वो थोड़ी सी उसमें वो काले रंग की होती है शोभित टेढ़ियाँ जहूरा तो इस प्रकार ये वो से टेढ़े टेढ़ी तो ये बहुत ज़्यादा प्रकाश फैलाने वाली आ, तो ऐसी ये पंखुड़ियाँ ऐसा लगता है कि ये नेत्र कमल की अनि चार दो कमल की दो, दोनों नेत्र कमल उनके दोनों तरफ इधर एक एक और यहाँ पर एक एक ऐसे करके चार अनि हो गई ना चार कोने हो गए दो बंकी चढ़ती ऊपर तो अब बीच में तो ये दोनों ऐसे ऊपर ऐस, इस तरह से घूम करके ऐसे जाती हैं उज्ज्वल नीलाट तीन पर उसके ऊपर उज्ज्वल निलाट है। ये उसकी भ्रिकुटी की बात की और उनके ऊपर उज्जवल निलाट है आय मिले केश किनारा के वो वो फिर ऊपर केश तक वो निलाट फैला हुआ है सोए रेखा बीच तिलक तो निलाट के बीच में ललाट के बीच में ना वो तिलक की रेखा है जो आ का ये शोभा आपारे ये जीभा उसकी अपार शोभा का क्या वर्णन करें तो बहुत ही सुंदर शोभा है तो वो तो ये सब तब लगता है कि जब हम शांति से इस पर विचार करेंगे कि ऐसा होगा इस प्रकार से पहले तो कल्पना ही करनी होगी तो कभी राज्य चाहें तो झलक दिखाई भी दिखा भी सकते हैं, तो बड़ी सुंदर शोभा श्री राज्य के मुखमंडल की है तो ये मुखमंडल की ही पूरी शोभा यहाँ पर बता रहे हैं अभी के प्रसंग को यही रखते हैं श्री कृष्ण क की जुआ कहा कहे शोभा अपार उज्वला नीलाट दिन पर आहे मिली के शकिनार सोहे रेखा बीच तिलक सोहे रेखा बीच तिलक जुवा कहा कहे शोभा अपार जुआ कहा कह शोभा अपार जुवा